हमारा नजरिया ही हमारे उन्नति के रास्ते खोलता है। नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। आज का कार्यक्रम बहुत खास है। आज हम पंडित जी से जानेंगे कि धन कैसे बचाया जाए, बचत कैसे की जाए। बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं, पैसा आता भी है लेकिन बचता नहीं है। आखिर कौन से ग्रह इसके लिए जिम्मेदार होते हैं और क्या उपाय करना चाहिए जिससे आपके घर में पैसा बचने लगे, धन टिकने लगे, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे कि यदि आज आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कोई बड़ी खरीदारी करने जा रहे हैं तो क्या उपाय करके घर से निकलें आप, ताकि आपको लाभ हो और आपका राशिफल और लकी नंबर के अनुसार लग तो जानेंगे ही। तो पंडित जी, कार्यक्रम शुरू करें जी। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज के पंचांग में क्या है खास, कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है और पंडित जी आज राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा जी? दिनांक 29 मई 2024 दिन बुधवार, तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, दोपहर 1:39 तक। नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, प्रातः काल 8:38 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, रात के 8:06 तक। राहु काल का समय जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे वो समय होगा दोपहर 12:00 से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम पंडित जी से समझेंगे धन की बचत के लिए ज्योतिष में कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं। पंडित जी, हर कोई चाहता है कि पैसा बचे, धन बचे, तो कौन से ग्रह हैं जो कि पैसा बचाने में मदद कर सकते हैं? देखिए, धन की बचत एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप कितना धन कमाते हैं ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण ये है कि आप कितना धन बचाते हैं। ज्योतिष में धन की बचत के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं? कुंडली का छठवां भाव, सिक्स्थ हाउस, ये मुख्य रूप से धन की बचत से संबंध रखता है। इसके अलावा कुंडली का जो 11वां खाना है, 11वां भाव है, ये बताता है कि आपकी अर्निंग कितनी रहेगी, आपके पास पैसे कितने आएंगे। इसीलिए अर्निंग वाले भाव को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपकी अर्निंग बहुत कम होगी तो आप बचा नहीं पाएंगे। इसीलिए इनकम हाउस को पैसा आने के मामले को भी देखना पड़ेगा। धन का आय और व्यय, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, ये बुध से नियंत्रित होता है। बुध जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्वामी है, इसीलिए बुध की स्थिति यहां बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि आप किस बुद्धिमानी से पैसा कमाते हैं और किस बुद्धिमानी से पैसा बचाते हैं। शुक्र वैभव का स्वामी है, बृहस्पति फाइनेंशियल मैटर का स्वामी है और मंगल कर्जों का स्वामी है। इसलिए एक नजर शुक्र बृहस्पति और मंगल पर भी डाल लेनी चाहिए। तो मुख्यतः छठवां भाव, 11वां भाव, बुध, शुक्र, बृहस्पति और मंगल, इनका अगर ठीक से आप एनालिसिस करें तो आप जान पाएंगे कि आदमी अपने जीवन में कितना कमाएगा और कितना बचाएगा। इन तमाम चीजों को समझ लेंगे तभी आप जान पाएंगे कि किसी आदमी के बचत होने की संभावना
क्या है? सबसे पहले बात मेष राशि की, मंगल की ये राशि है। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी आज मेष राशि वालों के लिए शुभ रंग कौन सा है? मेष राशि, आर्थिक मजबूती आएगी, संपत्ति का लाभ होगा आपको, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब बात वृष राशि की, शुक्र की ये राशि है। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और वृष राशि वालों के लिए शुभ रंग कौन सा है? वृषभ राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, परिवार में प्रसन्नता आएगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम, जिसका प्रयोग करके आप दिन को बेहतर बना सकते हैं। अब बात मिथुन राशि की, बुध की ये राशि है। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और इनके लिए शुभ रंग कौन सा है? मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं हो सकती हैं, वाद विवाद से बचाव करिए, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो रंग आज के लिए होगा पीला। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे पैसा बचाया जाए, कौन से ग्रह उसमें मदद करेंगे, क्या उपाय हमें करना चाहिए। पंडित जी, बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं लेकिन पैसा बच ही नहीं पाता है, बहुत कोशिश कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है? अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अच्छा पैसा कमाते हैं, अच्छा पैसा बचा सकते हैं, पैसे की अच्छी सेविंग कर सकते हैं। कब ऐसा होता है कि धन की बचत नहीं हो पाती है? तमाम प्रयास करने के बावजूद पैसा कब नहीं बचता? अगर आपकी कुंडली में बुध कमजोर हो गया तो आप ये समझिए कि आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट कमजोर है। कितना पैसा आएगा, कितना खर्च होगा, कितना बचेगा, इन तमाम चीजों को देखने के बाद आप पैसा बचा पाते हैं और ये सारे गुण देता है बुध। लेकिन अगर बुध कुंडली में कमजोर हो गया तो ऐसी स्थिति में धन की बचत कर पाना कठिन होगा। अगर शुक्र कुंडली में बहुत ज्यादा प्रधान है, शुक्र बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में है, तो शुक्र वाले लोग बड़े खर्चीले होते हैं। जरूरत हो या ना हो बेवजह के खर्चे करते रहते हैं, बेवजह की चीजें खरीदते रहते हैं, दिखावे में और प्रदर्शन में ज्यादा ध्यान देते हैं। तो शुक्र की अगर बहुत ज्यादा प्रधानता है तो आप ये मान करके चलिए कि आपका बहुत सारा पैसा उड़ेगा दिखावे में, फिजूल खर्ची में, और ऐसी स्थिति में पैसे का बच पाना कठिन होगा। कुंडली में अगर छठवें भाव का स्वामी खराब हो तो भी पैसा नहीं बच पाता, दो कारणों से। एक तो पैसा ज्यादातर बीमारियों में खर्च होता है और दूसरा पैसा ज्यादातर कर्ज चुकाने में खर्च होता है।
अगर छठवें भाव का स्वामी खराब है तो आपका पैसा खर्च होगा बीमारियों में और आपका पैसा खर्च होगा कर्ज चुकाने में। ऐसी स्थिति में पैसा बचा पाना आपके लिए कठिन होगा। अगर कुंडली में वायु तत्व मजबूत हो, मिथुन, तुला और कुंभ राशियां मजबूत हो, तो ऐसे लोग बड़े लापरवाह होते हैं, भविष्य की चिंता नहीं करते, भविष्य के लिए प्रयास नहीं करते और ऐसी स्थिति में उनका पैसा बेवजह नष्ट होता है और ऐसी स्थिति में उनका पैसा खराब होता है, बचत कर पाना मुश्किल हो जाता है। बहुत बार हम घर में गलत जगह पर पैसा रख देते हैं, हम पैसा रख देते हैं वायव्य कोण में, यानी नॉर्थ वेस्ट के इलाके में। अब नॉर्थ वेस्ट में आप पैसा रखेंगे, वहां पे रहने वाली चीज टिक नहीं सकती है, तो आप गलत जगह पैसा रख दिए, वायव्य कोण में पैसा रखते हैं, आप तमाम प्रयास करेंगे, आपका पैसा नहीं बचेगा। आपके लाख प्रयास करने के बावजूद पैसा बचा पाना कठिन होगा। बिना जानकारी के, बिना सोचे समझे, गलत रूप से आपने पन्ना पहन लिया या आपने पीला पुखराज पहन लिया, तो ऐसी स्थिति में भी आपका पैसा बच पाना मुश्किल होगा। आपको पन्ना पहनना है या नहीं पहनना है पहले ये समझिए। जब पहनना है तभी पहनिए, क्योंकि अगर आपने गलत रत्न पहन लिया, गलत तरीके से पन्ना पहन लिया, पुखराज पहन लिया जो आपके लिए सुटेबल नहीं है, तो इसका सारा इम्पैक्ट, सारा प्रभाव आपके धन वाले मामले पर पड़ेगा और धन बचा पाना आपके लिए कठिन होगा। अब बात कर्क राशि की। चंद्रमा की ये राशि है। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कर्क राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं, धन का आपको लाभ होगा, विवाह आपका तय हो सकता है। भगवान गणेश को अगर दूर्वा अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। अब बात सिंह राशि की। सूर्य की ये राशि है। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा, काम की अधिकता रहेगी, काम बढ़ा रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, बुध की ये राशि है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कन्या राशि, कोई बड़ा आर्थिक लाभ होगा, करियर की समस्याएं आपकी हल होंगी, उपहार और सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब वक्त है आपके सवाल का। यदि आपके मन में भी सवाल है तो अवश्य पूछिए। कैसे पूछना है आपको बताएंगे।
उसके पहले ये बता दें कि आगे आप सक्सेस मंत्र अवश्य देखिएगा, क्योंकि सक्सेस मंत्र में पंडित जी बताएंगे कि यदि आज आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कोई बड़ी खरीदारी करने जा रहे हैं तो क्या उपाय करके घर से निकलें ताकि आपको लाभ हो। और ऐसा क्यों अवश्य देखिएगा, क्योंकि आगे ऐसा क्यों में पंडित जी दैनिक जीवन में काम आने वाली महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बताएंगे। और शुभ मंगल सावधान अवश्य देखें, क्योंकि उसमें हम जानेंगे कि आज का दिन किस राशि वाले के लिए बहुत शुभ होगा और आज किस राशि वाले को बहुत सावधान रहना चाहिए। अब सवाल की बात कर लें, यदि आपके मन में सवाल है तो सबसे पहले अपने जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिखकर bhagyachakra@aajtak.com में भेज दें। वहां से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो पंडित जी, सवालों के पिटारे से पहला सवाल अभी किसका ले रहे हैं? आज का पहला प्रश्न हमें विनय कुमार जी ने लिखा है और विनय कुमार जी हमें प्रयागराज से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 30 जून 1978, जन्म का समय शाम के 4 बजे और जन्म स्थान है भदोही। ये कह रहे हैं कि मैं अभी मार्केटिंग की नौकरी कर रहा हूं लेकिन नौकरी में बहुत अड़चनें आ रही हैं, तो क्या मैं नौकरी छोड़ करके व्यापार में जा सकता हूं? क्या मेरे लिए व्यापार में जाना बेहतर होगा? विनय जी, आप बिल्कुल व्यापार में जा सकते हैं और अगर आप व्यापार में जाने का प्रयास इस समय करते हैं तो अच्छा होगा आपके लिए। दवाइयों का काम, खाने पीने की चीजों का काम, लकड़ी का काम और फर्नीचर का काम, ये काम करना आपके लिए बहुत उत्तम होगा। अगर आप ऐसा काम करें तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। फिलहाल एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके धारण करें। रोज सुबह और रोज शाम 108 बार शनिदेव का मंत्र पढ़िए, ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर ये उपाय आप लंबे समय तक करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। पैसा बचाना भी एक बहुत बड़ी कला है और यदि ग्रहों का सपोर्ट मिल जाए तो सफलता से, सरलता से आप पैसा बचा सकते हैं। पंडित जी, ऐसा कब होता है कि जब आसानी से, सरलता से धन बचना शुरू हो जाता है? जी, बहुत सारे लोग ऐसे भी आपने देखे होंगे जीवन में, थोड़ा पैसा कमाते हैं, थोड़ा बचाते भी हैं। थोड़ा पैसा कमाने के बावजूद थोड़े बहुत धन की बचत अवश्य कर लेते हैं अपनी बुद्धिमानी से। तो कब ऐसा होता है कि व्यक्ति धन की बचत सरलता से कर पाता है? देखिए, अगर कुंडली में बुध या बृहस्पति मजबूत है, बुध मजबूत है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा और अगर बृहस्पति मजबूत है तो पर्याप्त पैसा आएगा आपके पास और आप पर्याप्त पैसा बचा भी पाएंगे। शनि का संबंध अगर धन स्थान से बन जाए तो ऐसे लोग जीवन में पैसा तो कमाते ही हैं। ऐसे लोगों के साथ ये भी होता है कि ये बुद्धिमानी से, थोड़ी कठिनाई हो तो भी कोई बात नहीं, बुद्धिमानी से, कठिनाई से पैसा बचा लेते हैं। कुंडली में अगर पृथ्वी तत्व प्रधान हो गया हो मामला, यानी वृषभ, कन्या या मकर, ये राशियां मजबूत हो गई हो तो ये राशियां पैसे के लिए बड़ी बुद्धिमानी की राशियां हैं। अगर पृथ्वी तत्व मजबूत हो गया है तो आप बढ़िया पैसा कमाएंगे भी और बढ़िया पैसा बचाएंगे भी, ये बात आप पक्की तौर पर समझ लीजिए। अपने घर में आप रसोई सही रखें तो घर में बीमारियां नहीं होंगी, पैसा बचेगा। अगर आप अपने घर में तिजोरी ठीक रखें तो पैसा बचा पाना आसान होगा।
यानी घर में अगर रसोई घर और तिजोरी या पैसा रखने का स्थान अगर आप ठीक रखते हैं तो पैसा बड़ी आसानी से बचा पाएंगे। पैसा बचाने के पीछे एक और कारण भी होता है, वो है दान। यानी अगर आप अपने प्राप्त किए हुए पैसे के कुछ अंश का, कुछ हिस्से का नियमित रूप से दान करें, अगर आप जो भी पैसा कमाते हैं उसके हिसाब से जो भी आपकी सामर्थ्य है, अगर अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ अंश आप नियमित रूप से अगर दान करते रहें तो निश्चित रूप से पैसे की बचत हो सकेगी। यानी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये गुण होते हैं, ये ग्रह होते हैं, ये आदतें होती हैं, जिसकी वजह से वो पैसा बचा पाते हैं। अब बात तुला राशि की। शुक्र की ये राशि है। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, करियर में किसी प्रकार की लापरवाही ना करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। अब बात वृश्चिक राशि की। मंगल की ये राशि है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। छोटी यात्रा इस समय आपकी हो सकती है। संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब बात धनु राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? धनु राशि, करियर का दबाव कम होगा। कोई नई संपत्ति इस समय खरीद सकते हैं। करियर में लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा क्यों कहा जाता है कि भगवान गणेश को तुलसी दल नहीं चढ़ाना चाहिए? देखिए, भगवान गणेश को तुलसी दल सामान्यतः सामान्य स्थितियों में पूजा में आप अर्पित नहीं कर सकते। जैसा कि हम जानते हैं कि तुलसी पूर्व जन्म में वृंदा थी और उसे उसने भगवान विष्णु को शाप दिया था शालिग्राम हो जाने का, और बाद में वृंदा स्वयं तुलसी बन गई, तो भगवान विष्णु के साथ उनका विवाह भी करवाया जाता है। भगवान गणेश ने तुलसी को माता कहकर के संबोधित किया था, और चूंकि भगवान गणेश ने तुलसी को माता कहकर के संबोधित किया था इसीलिए तुलसी भगवान गणेश की पूजा में वर्जित है। आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे पैसा बचाया जाए। पंडित जी, पैसा बचाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या है सही तरीका? जी,
देखिए, अगर हम धन की बचत के उपाय समझना चाहें कि हम ऐसा क्या करें जिससे हम कुछ पैसा बचा सकें, एकदम से नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे उपाय करने से कुछ समय के बाद दो फायदे होंगे। एक तो आपकी अर्निंग बढ़ेगी तो पैसा ज्यादा आएगा, और दूसरा जो भी पैसा आपके पास आएगा उसकी बचत आप कर पाएंगे। क्या करेंगे उपाय धन की बचत के लिए? सलाह लेकर के एक पन्ना या एक पीला पुखराज, आपको पहनना चाहिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अपनी रसोई घर को हमेशा साफ सुथरा रखिए, रसोई घर में बिल्कुल गंदगी मत फैलाइए। जिन लोगों की रसोई की व्यवस्था सही नहीं होती उन घरों में बीमारियां भी होती हैं और पैसे व्यर्थ में बर्बाद भी होते हैं। उत्तर या पूर्व की तरफ जो अलमारी खुलती हो घर में उस अलमारी में धन रखिए, या धन रखने की अलमारी ऐसे रखिए कि वो उत्तर या पूर्व की तरफ खुले। अगर ऐसा होगा तो आप धन की बचत कर पाएंगे। पीले कपड़े में हल्दी की 2 या 4 गांठें बांध करके इसको आप रसोई घर में रख दीजिए। पीले कपड़े में हल्दी की 2 या 4 गांठें बांधिए, किसी भी बृहस्पतिवार को अपनी रसोई में रख दीजिए और हर साल भर बाद इसको बदलते रहिए। ऐसा करने से भी धन की बचत कर पाना आपके लिए आसान होगा। शनिवार को किसी गरीब आदमी को, निर्धन व्यक्ति को सिक्कों का दान करिए, सिक्के नहीं हैं तो कुछ धन का दान करिए, लेकिन शनिवार के दिन निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान करेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा। तो देखिए, कुल मिला जुलाकर आप ये बात समझिए कि थोड़े से उपाय करें, थोड़ी सी बुद्धिमानी दिखाएं, अगर आप ऐसा करेंगे तो धन की बचत अवश्य कर पाएंगे। और याद रखिए, धन की बचत करने में धन रखने का जो स्थान है या आपकी जो रसोई है वो बड़ी महत्वपूर्ण है, उस पर ध्यान ज्यादा दीजिएगा। अब बात मकर राशि की। शनि की ये राशि है, मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मकर राशि, रुका हुआ काम आपका बन जाएगा, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, धन की प्राप्ति होगी। भगवान गणेश को अगर दूर्वा अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब बात कुंभ राशि की। शनि की ये राशि है, कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कुंभ राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब बात मीन राशि की। बृहस्पति की ये राशि है, मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है?
मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, करियर में कोई लाभकारी बदलाव हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। लकी नंबर 1 से लेकर लकी नंबर 9 तक के लोगों के लिए पंडित जी क्या है खास? बात करते हैं लकी नंबर की। नंबर 1, आज आपके लिए धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 2, आपके तमाम रुके हुए काम आज पूरे होंगे। नंबर 3, अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। नंबर 4, करियर में आपके लिए सफलता के योग हैं। नंबर 5, बेवजह का वाद विवाद हो सकता है आज। नंबर 6, आज काम बढ़ा रहेगा, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 7, परिवार में इस समय तनाव हो सकता है। नंबर 8, यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। नंबर 9, इस समय आपके करियर में कुछ बदलाव अवश्य होगा। अब वक्त है भाग्य पहर का। आज भाग्य पहर का समय कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा और इस दौरान पंडित जी क्या करें? आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 7:30 से रात के 9 के बीच में। इस समय में भगवान गणेश की कपूर से आरती करिएगा। अगर आप शुभ समय में भाग्य पहर में ऐसा करते हैं तो आपके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे। अब वक्त है आपके सवाल का। यदि आपके मन में सवाल है तो अवश्य पूछिए। उसके लिए आप अपने जन्म की तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान लिखिए और सवाल लिखकर bhagyachakra@aajtak.com में भेज दें। वहां से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो पंडित जी, सवालों के पिटारे से दूसरा सवाल किसका लें? अगला प्रश्न हमें विमला जी ने लिखा है और विमला जी हमें मेल लिखती हैं हैदराबाद से। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। इनके पुत्र की जन्म की तारीख है 3 अप्रैल 1992। जन्म का समय रात में 11:32 और जन्म का स्थान है सिकंदराबाद। विमला जी पूछ रही हैं कि मेरे पुत्र का विवाह कब होगा और इसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। विमला जी, आपके पुत्र की कुंडली के हिसाब से उनके विवाह का समय अभी चल रहा है और ज्योतिष के अनुसार इसी वर्ष उनका विवाह होने की संभावना बनती है। स्वयं की इच्छा से किसी जानी पहचानी बालिका के साथ इस वर्ष विवाह करेंगे, ये संभावना इनके लिए दिखाई दे रही है। फिलहाल आप इनको बोलें कि ये एक ओपल बनवा के पहन लें, लगभग 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके पहन लें। और दूसरे नंबर पर इनको बोलिए कि रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करेंगे ताकि इनका विवाह सही हो सके और वैवाहिक जीवन में दिक्कतें ना आए। अब बात सक्सेस मंत्र की। पंडित जी, आज के सक्सेस मंत्र में क्या है खास? बात करते हैं सक्सेस मंत्र की। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है,
सौंफ खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई इंटरव्यू है, धनिया की पत्ती खाकर घर से जाइएगा, आपको लाभ होगा। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित कर दीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। अगर आपको डॉक्टर के पास जाना है, हॉस्पिटल जाना है, चिकित्सा के लिए जाना है, तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, आप स्वस्थ होंगे। अगर कोई खरीदारी करनी है आज आपको, गाड़ी, मकान, जमीन, आभूषण, तो हरा रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान जानने का। आज का दिन किस राशि वाले के लिए बहुत शुभ होगा और पंडित जी आज किस राशि वाले को बहुत सावधान रहना चाहिए? बात करते हैं शुभ मंगल सावधान की। आज का दिन शुभ होगा मकर राशि के लोगों के लिए, महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे और हर काम की रुकावट आज दूर होगी। आज सारे काम निपटा डालिए। आज का दिन मंगलमय होगा सिंह राशि वालों के लिए, स्वास्थ्य बेहतर होगा, करियर में सुधार होगा और जीवन में बेहतर सफलता मिलेगी। आज सावधान रहना होगा तुला राशि वालों को, बेवजह का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, बेवजह की चिंताएं और बेवजह के तनाव आपको परेशान कर सकते हैं। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। पंडित जी, आपने भाग्य चक्र में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए आज तक के साथ। भाग्य चक्र में कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। नमस्कार।